आपको पता है कि हमारे परिवार के ऊपर एक ना एक मुसीबत जो है वो वन आफ्टर द अदर वो नाजिल हो रही है। तो एक ये दुख था कि इशिता को फांसी हो रही है, फिर ये पता चला कि फांसी नहीं हुई, वो मतलब कि उसके डेथ नहीं हुई उसमें। तो एक तरफ खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ वो भी फिक्र की बात है। एक तो ये फिक्र के एट द एंड ऑफ द डे वो फिर पकड़ी जाएगी, फिर फांसी होगी, और अभी वो किन हालात में है, किन मुसीबतों का शिकार है। फिर उसके बाद बहुत ही सरप्राइजिंगली रमन का बिहेवियर चेंज हो गया और वो इशिता का नाम भी नहीं सुनना चाहता। और फिर उस पर सोने पर सुहागा ये कि वो निधि को घर में ले आया है और उसने अनाउंस कर दिया कि ये मेरे बच्चों की होने वाली माँ है, मैं इससे शादी करूँगा। तो जाहिर है हमारे ऊपर कयामतों का पहाड़ टूटा हुआ है। जाहिर है कि निधि जो है वो बहुत ही मक्कार औरत है, बड़ी नाटकबाज है, तो वो क्रेडिट ले गई कि जी मैंने ये खाना बनाया है, ताकि रमन के दिल में वो अपनी जगह बना सके। तो वो इस किस्म की सारी हरकतें कर रही है।